क्या बिहार सरकार में फूट पड़ रही है? क्या नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार सरकार ठीक से चल नहीं पा रही है? क्या कुछ अनबन हो गई है? अंदर खाने कुछ बवाल हो गया है क्या? अब ये जो तमाम सवाल है दोस्तों, ये कोई भक्त सुनेगा तो उसके मन में शायद लड्डू फूटने लगे कि चलो भाई, अगर ऐसा हो रहा है बिहार में तो ठीक ही है। नीतीश कुमार जाएंगे, तेजस्वी यादव जाएंगे तो नंबर किसका आएगा? भाजपा का आएगा। बिहार में बीजेपी का रास्ता खुल जाएगा दोबारा। बेशक थोड़े समय पहले वो बाहर निकल चुकी है, लेकिन फिर से दरवाजे खुल सकते हैं। मगर ऐसा सोचने वालों को झटका लग सकता है दोस्तों। दरअसल हुआ ये है कि बिहार सरकार में कैबिनेट मंत्री और जीतन राम मांझी के बेटे हैं, इन्होंने नीतीश सरकार से इस्तीफा दे दिया है। इस इस्तीफे के बाद कुछ लोगों ने जो कयास लगाने शुरू किए हैं उन सभी अटकलों पर, उन कयास पर नीतीश सरकार की ही मंत्री ने पानी फेर दिया है, या आप कह सकते हैं कि पूर्ण विराम लगा दिया है। कहा क्या है, बयान में क्या कहा है, ये आपको इस वीडियो में हम बताएंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं न्यूज सर्कल। बिहार में नीतीश कुमार की सरकार से जीतन राम मांझी के बेटे ने इस्तीफा दे दिया है। जीतन राम मांझी नीतीश सरकार में कैबिनेट मंत्री के तौर पर विराजमान थे और अब उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफा देते हुए क्या कहा है आगे आपको बताऊंगी। संतोष सुमन नाम है, बिहार सरकार में जैसे मैंने कहा कैबिनेट मंत्री थे। अब जहां एक तरफ लोग ये अटकलें लगा रहे हैं कि कहीं बीजेपी से तो कोई ऑफर नहीं आ गया है, कहीं एनडीए में तो इनकी पार्टी शामिल नहीं होने वाली है, क्या पता शायद इस्तीफा इन्होंने इसीलिए दिया हो कि बीजेपी की तरफ से कोई ऑफर आ रहा हो, एक तरफ जहां ये सारी बातें हो रही है, तो वहीं दूसरी तरफ नीतीश सरकार की मंत्री ने ये कह दिया है कि ऐसे नेता तो आते जाते रहते हैं, इनका आना जाना तो लगा रहता है, उनके इस्तीफे से कोई फर्क नहीं पड़ता, ना ही सरकार पर कोई फर्क पड़ेगा, ना हमें कोई फर्क पड़ेगा। साथ में इन्होंने बेटे संतोष सुमन के साथ जीतन राम मांझी को भी घेरा। जीतन राम मांझी को लेकर क्या कहा, उन्होंने कहा जीतन राम मांझी को तो मुख्यमंत्री जी ने सीएम की कुर्सी तक दे दी थी, अगर याद हो उन्हें तो बिहार के मुख्यमंत्री भी बने थे, इससे ज्यादा कोई किसी के लिए क्या ही सम्मान दे सकता है। ये बयान लेसी सिंह का है दोस्तों, जो कि नीतीश सरकार में मंत्री हैं। लेसी सिंह ने इस बयान में और क्या कुछ कहा है, छोटा सा वीडियो क्लिप सामने आया है, वो वीडियो क्लिप आपको दिखाते हैं, वीडियो देखिए। उनको तो हमारे नेता माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपनी कुर्सी तक दे दी, मुख्यमंत्री जी के मुख्यमंत्री पद उनको दिए, तब इससे बड़ा और सम्मान क्या हो सकता। उनको तो इतना नाराजगी, कोई नाराजगी नहीं, ऐसा महागठबंधन में जितने भी दल शामिल हैं उसमें सभी का विचार विमर्श सब उसके अनुसार काम होता है जी। तो लेसी सिंह के इस बयान के बाद शायद उन लोगों का मुंह जरूर बंद हो सकता है दोस्तों, जो शायद ये सोच रहे हैं या अभी तक सोच रहे थे कि नीतीश सरकार की उल्टी गिनती जो है शुरू हो गई है, किसी भी वक्त सरकार गिर सकती है। आए दिन वैसे भी नीतीश सरकार के गिरने का अल्टीमेटम बीजेपी देती ही रहती है, जबकि इस इस्तीफे को नीतीश कुमार की गठबंधन वाली जो सरकार है दोस्तों, वो गंभीरता से ले नहीं रही है। ये साफ सीधे तौर पर लेसी सिंह के बयान से नजर आ रहा है। लेसी सिंह ने कहा है कि महागठबंधन की सरकार में सभी दलों के विचार विमर्श के बाद ही कोई फैसला लेते हैं, कोई काम जो होता है आगे जो कोई फैसला लिया जाता है वो सबके विचार विमर्श से लिया जाता है। संतोष सुमन के इस्तीफे से सरकार की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है, ऐसे लोग तो आते जाते रहते हैं। लेसी सिंह ने आगे कहा कि मांझी गठबंधन में रहें या नहीं रहें, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अभी 2024 के चुनाव से पहले बहुत सारे लोग महागठबंधन के साथ आएंगे, इससे महागठबंधन की सेहत और सरकार पर कोई असर नहीं पड़ेगा। तो यहाँ साफ सीधे तौर पर लेसी सिंह कह रही हैं कि 2024 का चुनाव अभी बाकी है, अभी तो जो लोग इस्तीफा दे रहे हैं अगर वो इस्तीफा दे भी देते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आगे और पार्टियां जुड़ने वाली हैं महागठबंधन से। जेडीयू कोटे के मंत्री जमा खान ने कहा है कि सात दलों का लंबा परिवार है हमारा, हम साथ मिलकर रहते हैं, साथ मिलकर काम करते हैं, कोई छोटी मोटी बात हो जाती है, अनबन हो जाती है तो हम लोग बैठकर बातचीत कर लेते हैं, आगे भी अगर ऐसा कुछ होता है तो हम आगे भी बातचीत कर लेंगे। बड़े परिवार में कभी कभी कुछ बातें हो जाती है, हम सभी को एक होकर लड़ाई लड़नी है, देश को बचाना है, ये यहाँ पर साफ सीधे तौर पर जेडीयू के कोटे के मंत्री का कहना है। तो नीतीश सरकार के मंत्री और तमाम जेडीयू के जितने नेता हैं वो यही कह रहे हैं कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, अगर इस्तीफा दिया भी है तो खासा कोई फर्क पड़ेगा नहीं, सरकार पर कोई असर नहीं पड़ेगा। हालांकि संतोष सुमन का भी बयान सामने आया है दोस्तों। संतोष सुमन जिन्होंने इस्तीफा दिया है उन्होंने क्या कहा है वो भी सुनिए।
उन्होंने आरोप लगाया है नीतीश सरकार पर, और नीतीश सरकार पर उन्होंने आरोप लगाया है कि जेडीयू की तरफ से हमारे पास विलय करने का प्रस्ताव आया था कि आपकी पार्टी को जेडीयू में विलय कर लीजिए, मिला लीजिए। यानी उन्होंने कहा हमारे ऊपर पार्टी को विलय करने का दबाव बन रहा था, हमारे ऊपर दबाव बनाया जा रहा था। जब हमने अपने प्रतिनिधियों से, अपने विधायकों से बातचीत की तो उन्होंने विलय करने से साफ इनकार कर दिया। उनका मानना था कि विलय करना सही निर्णय नहीं होगा क्योंकि पार्टी तो हमारी भी है, हमने भी कुछ मुद्दे उठाकर ही पार्टी बनाई है, तो हमने संघर्ष का रास्ता चुना और विलय से इनकार हमने कर दिया। एनडीए में शामिल होने पर अभी हम सोचेंगे, यानी बीजेपी में शामिल होंगे कि नहीं, इस पर उन्होंने भी पूर्ण विराम लगा दिया है, ये संतोष सुमन का कहना है। हालांकि एक तरफ जहां बेटे संतोष ये कह रहे हैं कि हम महागठबंधन से अलग होंगे, तो वहीं दूसरी तरफ जीतन राम मांझी का क्या कहना है दोस्तों, वो भी सुनिए। उनका कहना है कि हम अभी भी गठबंधन का हिस्सा ही हैं, इस्तीफे पर मैं कुछ कहना नहीं चाहूंगा। हमारे नेता नीतीश कुमार जब तक हमारी बातों को अहमियत देते रहेंगे तब तक हम एक साथ हैं। अब आपकी जानकारी के लिए बताना चाहेंगे दोस्तों कि बिहार में नीतीश कुमार विपक्षी एकता की बैठक करने वाले हैं, और जल्द ही वो विपक्षी एकता की बैठक जो है वो कर रहे हैं। पता नहीं, देखिए, ये संयोग है या कुछ और है कि जब वो विपक्ष को एकजुट करने में लगे हुए हैं, उसी वक्त हो ये रहा है कि इस तरह का घटनाक्रम बिहार में हुआ है। दोस्तों, इस तरीके का घटनाक्रम बिहार में हुआ है जहां इस्तीफों का दौर जो एक तरीके से शुरू हो चुका है। कुछ समय पहले भी कुछ ऐसे ही नेता जो हैं वो सरकार को छोड़कर बाहर गए, और उसके बाद कई ऐसे प्रवक्ता जो सरकार को छोड़कर या आप कह सकते हैं एक पार्टी को छोड़कर दूसरी राष्ट्रीय पार्टी में जाना उन्होंने बेहतर समझा। अभी इस वक्त वो एक पद पर विराजमान है, बीजेपी में ही विराजमान है दोस्तों। तो नेताओं का नाम जो है अगर आप गिनने लगेंगे तो बहुत समय हो जाएगा। लेकिन एक गौर करने वाली बात यह भी है कि बिहार में 7 दलों के गठबंधन वाली सरकार है। ऐसे में अगर एक दल भी हाथ जो है वो पीछे खींचता है तो उसका असर बाकी के दलों पर कितना पड़ेगा, ये उन दलों की एकजुटता बताएगी। वो कितना साथ देना चाहते हैं नीतीश कुमार का, नहीं देना चाहते हैं, वो उन दलों पर निर्भर करेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये है कि जीतन राम मांझी कुछ और कह रहे हैं, उनके बेटे कुछ और कह रहे हैं। जीतन राम मांझी कह रहे हैं कि अभी भी हम नीतीश कुमार के साथ ही हैं और वो हमारे नेता हैं। जीतन राम मांझी नीतीश कुमार को अपना नेता बता रहे हैं, तो वाकई में देखिए इससे असर पड़ेगा आगे कि नहीं पड़ेगा। लेसी सिंह वैसे तो अपना दावा कर ही चुकी हैं, लेकिन फिलहाल लेसी सिंह के अलावा थोड़े समय में देखिएगा आप दोस्तों कि भाजपा की तरफ से भी तरह तरह के जो दावे हैं वो किए जाने लगेंगे। अब भाजपा अपने दावों में क्या कहती है, हालांकि इस इस्तीफे के बाद तो कयास लगने शुरू हो ही चुके हैं। मीडिया भी आपको यही खबरें दिखा रहा होगा कि जल्द ही बिहार में सरकार गिरने वाली है। दूसरी तरफ बीजेपी भी थोड़े समय में यही अटकलें लगानी शुरू कर देगी। इसमें कितनी सच्चाई आगे जाकर नजर आएगी, ऐसा होता है या फिर नहीं होता है। साथ ही विपक्षी एकता को एकजुट करने के लिए नीतीश कुमार जो कदम उठा रहे हैं उसमें ऐसी सारी चीज़ें बाधा बनती है या फिर नहीं, तमाम सवाल पर इस वक्त नज़र बनी हुई है। इसका जवाब जब तक निकलकर सामने आता है दोस्तों मैं फिर हाजिर हो जाऊँगी। बहरहाल इस खबर पर आपकी राय क्या है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।